रहीम अस्सलाम वालेकुम देसी टीवी यूएसए से क्रिकेट विकेट के साथ मैं हूं इकरा हफीज जावेद बॉर्नर ने पीएसएल में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर कर दी राशिद खान ने लाहौर के अंदर इसकी जीत का जश्न मनाते हुए सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि क्या शानदार खेल हुआ भरपूर सपोर्ट करने वाले क्राउड का शुक्रिया डेविड वार्नर ने जवाब दिया कि मैं कब खेल सकता हूँ याद रहे कि गुजशत साल दौरा पाकिस्तान में भी डेविड वार्नर ने कहा था कि पी में शिरकत करना चाहता हूँ मगर इंटरनेशनल मसूफियात आड़े आ जाती हैं पी के दौरान खातन के नुमाइशी मैच में गैर मुल्क क्रिकेटर्स भी शरीक होंगी खातन के नुमाशी मैच आठ दस और ग्यारह मार्च को रावलपिंडी में होंगे ये नुशी मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग मुकाबलों के साइड पर होंगे जराये के मुताबिक मैचेस के लिए इंग्लैंड जनूबी अफ्रीका आयरलैंड बांग्लादेश श्रीलंका और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स से रबता किया गया है जराये का कहना है कि इंग्लैंड की टेमी बाउन डानी व्योर और लारियन वेनफ्ल हिल की मैचेस में शिरकत का इम्कान है जबकि जनूबी अफ्रीका की लारवा वलवार्डट आयरलैंड की लावरा जैनली भी पीसीबी से रते में हैं जराये के मुताबिक बांग्लादेश की जहां आरा आलम श्रीलंका की चमारी अतापतो और न्यूजीलैंड की लिताहो भी शरीक होंगी इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड की सोजी बैच्स और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट फ्लॉन्टर्स को लाने के लिए भी कोशा हैं पुलिस रैपिड फोर्स के बॉक्सर शाहिर अफरीदी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के तहत होने वाली एशियन कॉन्टिनेंटल की टाइटल फाइट जीत ली पाकिस्तानी बॉक्सर शाहिर अफरीदी ने थाई बॉक्सर को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया थाई बॉक्सर साम्फो सीसा अपने एजाज का दिफा ना कर सके शही अफरीदी ने थाई बॉक्सर को चैलेंज किया था शहीद अफरीदी ने मिडल वेट वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल सिल्वर बेल टाइटल का मुकाबला तीसरे राउंड में जीता बॉक्सर शहीर अफरीदी ने जीत कराची पुलिस ऑफिस हमले के शोहदा के नाम करने का ऐलान किया है अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी टीवी यूएसए या विजिट करें हमारी वेबसाइट देसी टीवी यूएसए डॉट कॉम